हेलो फ्रेंड, मैं अंबिका सिंह परिहार अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर लबाबदार की रेसिपी। बहुत स्वादिष्ट है और खाने में बहुत यम्मी लगती है। आप इसको नान, पूरी, पराठे, कुलचा इसके साथ सर्व कर सकते हैं, राइस भी ले सकते हैं। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी पनीर लबाबदार की। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है, बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ सामग्री ली हुई है, लहसुन, अदरक, काजू, टमाटर और ये प्याज, और यहाँ पर पनीर, शिमला मिर्च और कुछ प्याज मैंने काट के रखी है। ये गरम मसाले हैं, तेजपात के पत्ते, हरी इलायची, काली मिर्च और लौंग। तो चलिए कढ़ाई रख लेते हैं गैस के ऊपर। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, अभी गैस ऑन कर देंगे। तो चलिए गैस ऑन हो गई है। अब मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ, तो हम ऑयल को गरम होने देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चमचे ऑयल लिए, छोटे वाले चमचे हैं ये, और ऑयल को गरम होने देते हैं। तो ये देखिए ऑयल गरम हो गया है। यहाँ पर हम गरम मसाले डालेंगे, तो जो मैंने लिए थे मैं सारे गरम मसाले डाल देती हूँ। अब हम इनको सोते करेंगे, और यहाँ पर लहसुन और अदरक है वो मैं डाल देती हूँ, इनको भी हम सोते करेंगे। गैस की फ्लेम हाई और लो के बीच में रखेंगे हम, ना तो हाई रखेंगे और ना लो रखेंगे, उन दोनों के बीच में रखेंगे। तो ये देखिए इनको ज्यादा नहीं हमको भूंजना है, मतलब लहसुन अपना हमें ज्यादा नहीं जलाना है और हल्का ही भूनना है। अब यहाँ पर जो हमने प्याज कट करके रखी थी लंबे लंबे स्लाइस में, उनको डाल देंगे और इसको हम भूनने देंगे। तो ये देखिए, तो प्याज भी हमारी भूज रही है। हम बीच बीच में चलाते रहेंगे अपनी प्याज को। अब यहाँ पे मैं काजू डाल दूंगी, तो ये मैंने काजू डाल दिए हैं और हम इसे सोते करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी हल्की गुलाबी सी होने पे आ गई है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर में से सिर्फ 2 टमाटर कट किए हैं, 1 टमाटर मैंने बाद के लिए रखा है। तो ये देखिए हम इनको भी सोते कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं कुछ खड़ी मिर्च ले रही हूँ, लाल सूखी मिर्ची है ये, तो मैं ये डाल दूंगी। आप ये मिर्ची पहले भी डाल सकते हैं, जब हम गरम मसाला डालते हैं तब भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। यहाँ सॉल्ट डाल दिया है, तो सॉल्ट स्वाद अनुसार है। और अब हम मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट डालने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो ये टिप जरूर याद रखिएगा, जब भी कोई सब्जी बनाए तो टमाटर पकाने के लिए सॉल्ट जरूर डाल दें। यहाँ पर मैं ये कश्मीरी मिर्चें, तीखी नहीं होती हैं बट कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे मसाले मिक्स हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी पानी डाल दूंगी और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और लो मीडियम फ्लेम पे हम इनको पकने देंगे, ताकि हमारी जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। और देखिए आप कलर कितना अच्छा आया है। तो चलिए अब हम हमारे पनीर को मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ मैंने बाउल ले लिया है, शिमला मिर्च को मैंने चौकोर पीस में कट कर लिए थे, तो आप देख सकते हैं शिमला मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते, स्किप कर सकते हैं। ये प्याज मैंने कट कर ली थी स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पर हमने प्याज भी डाल दी है और ये पनीर के पीस भी हम डाल देंगे। तो इनको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया था, तो हम जो पनीर है वो डाल रहे हैं इसमें। तो ये देखिए अब हम इसमें कुछ हमारे मसाले डालेंगे। तो ये मैंने सॉल्ट डाल दिया है थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, आप थोड़ी तीखी वाली भी ले सकते हैं, नहीं तो कश्मीरी चलेगी। और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ,
और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गरम मसाला। तो मैंने हाफ चम्मच गरम मसाला लिया है। अब यहाँ पर हम 2 छोटी चम्मच ऑयल ले लेंगे, वेजिटेबल ऑयल है। और अब हम हमारे इसको मिक्स करेंगे हमारे मिक्सचर को, ताकि जो ऑयल और मसाला है वो हमारे पनीर में, शिमला मिर्च में और प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हमको हमारे मसाले मिक्स कर लेने हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे पनीर शिमला मिर्च का, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारी ग्रेवी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी का, और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छे से पक गई है। बट हम इसे थोड़ी देर और 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हम 1-2 मिनट के बाद पका लेते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने देख लिया है, चेक कर रही हूँ, तो कितना अच्छा कलर भी आया है। अब चलिए हम इसे बाउल में निकाल लेंगे, ताकि ये हमारी ग्रेवी जल्दी से ठंडी हो जाए। तो मैंने यहाँ बाउल में अपनी ग्रेवी निकाल दी है और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तो चलिए ग्रेवी भी हमारी ठंडी हो गई है, और अब हम इसे अपने जार में ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। ये पूरी ग्रेवी को हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए मैं अपने जार में अपनी ग्रेवी निकाल देती हूँ, जो मेरी ग्रेवी बनाई थी हमने अपनी कढ़ाई में। तो ये पूरी ग्रेवी आ गई है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने ग्राइंड कर ली है और अब हम इसको छान लेंगे। तो मैंने ग्रेवी हाफ हाफ करके ही पीसी है। तो ये पहला पार्ट है और मैं नेक्स्ट पार्ट और इसमें से पीस लेती हूँ। तो ये देखिए पीस के मैंने डाल दिया और अब मैं इसको छान रही हूँ। तो छानना जरूरी है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे और एकदम लिक्विड हमारे बाउल में आ जाएगा। तो चलिए ये हमारी कढ़ाई रख ली है हमने, और अब मैं तेल नहीं घी यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच घी ले रही हूँ, 3 से 4 चम्मच है। तो घी को हम गर्म होने देंगे। आप बटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जीरा डाल दूंगी। तो ये देखिए, और अब मैं यहाँ पे 2, 4 या 5 लहसुन की कलियाँ थी, इनको बारीक बारीक कट कर लिया था मैंने, वो डाल रही हूँ मैं। कुछ हरी मिर्ची है, हम वो भी डाल देंगे इसमें। और अब हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ बारीक प्याज काट के रखी है, तो एक गांठ एक पूरी मीडियम साइज की है, तो वो मैंने चॉप कर ली थी बारीक बारीक। और इसको मैंने, तो हम इनको भी सोते कर लेंगे अपनी प्याज को, और हल्का गुलाबी कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने आपको बताया था कि एक टमाटर मैंने रख लिया है, वो मैंने इसी के लिए रखा था। तो ये देखिए हम टमाटर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से सोते होने देंगे। और यहाँ पर मैं एक टुकड़ा अदरक का ले रही हूँ और उसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। तो इसमें से एकदम बारीक बारीक कद्दूकस होता है। तो ये देखिए एक छोटा सा टुकड़ा था अदरक का, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे और टमाटर को भी पकने देते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, मैंने आपको बताया कि सॉल्ट डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। तो चलिए हम टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। ये मसाला भी हमारा पकने पे आ गया है, तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गया है। और अब हम हमारे मसाले ऐड करेंगे। तो कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। ये मसाले इसमें कम ज्यादा आपके अनुसार है, आपको जैसे डालने आप वैसे डाल सकते, कम तो कम ज्यादा तो ज्यादा, वो आपके टेस्ट के ऊपर है। यहाँ पर हल्दी पाउडर, मैंने हल्दी पाउडर कम ही लिए। यहाँ धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, तो 2.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, जो हमारे मसाले के डब्बे में आती है वो वाली। और हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और जो धनिया हमने डाला है उसको पकने देंगे, और गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारा ये मसाला भी पकने पे आ गया है, भुन चला है। और अब हम क्या 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 करेंगे कि जो हमने अपनी ग्रेवी छान के रखी थी अब हम वो डालेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के आई है हमारी, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो जो हमारे बाउल में थोड़ी ग्रेवी थी उसमें से हम पानी, हल्का थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल सकते हैं।
चलिए हम इसको मिक्स कर देंगे और अपनी ग्रेवी को हम पकने देंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हम अपनी ग्रेवी को पकाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है और जो हमने पनीर मैरिनेट किया था अब हम उसको इस कढ़ाई में रख के भूनेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा है, आप देख रहे हैं। और अब मैं इसको कढ़ाई को सब जगह से ऑयल वाला कर लूंगी इस तरीके से। और जो हमारा पनीर था वो हम इसमें डाल देंगे। हालांकि हमारे इस पनीर में भी ऑयल है, इसीलिए मैंने कढ़ाई में कम ऑयल लिया था। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। अगर बड़ी कढ़ाई या फ्राई पैन है तो आप उसमें भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए गैस की फ्लेम हम दो लो कर देंगे और इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर भी एकदम मस्त हो गया है, पकने पे आ गया है। तो चलिए अब जो हमारी ग्रेवी है वो हम यहाँ जाते हैं अपने घर। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी भी पकने पे आ गई है और बहुत अच्छा कलर लग रहा है हमारी ग्रेवी का। गैस की फ्लेम लो कर देंगे। तो ये देखिए लो फ्लेम पे हमारी ग्रेवी पक रही है। अब हमें इसमें क्या करना है कि जो हमने पनीर अपना पका लिया था कढ़ाई में रख के और जो शिमला मिर्च पनीर हमने मैरिनेट किया था, फिर हमने अपनी कढ़ाई में उसे अच्छे से पकाया था, हमको वो लेना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जो कि हमारी पनीर की सब्जी में बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम कसूरी मेथी डाल देंगे। तो ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और अब हम डालेंगे हमारा पनीर और शिमला मिर्च। तो चलिए मैं वो डाल देती हूँ हमारी कढ़ाई में। तो ये देखिए ये हम पूरा ही डाल देंगे और जो हमारा तेल और मसाला कढ़ाई में बचेगा वो भी हम अपनी ग्रेवी वाली कढ़ाई में ले लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस तरीके से। और हम अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। है ना मज़ेदार रेसिपी पनीर लबाबदार की। जो ये क्रीम मसाले की जो क्रीम ही आती है छान पीसने के बाद, छानने के बाद, उसको ही बोलते हैं पनीर लबाबदार। पनीर तो रहता है, वो क्रीम ही लबाबदार होती है। जो मसाला हम छान लेते हैं वो ही इसका मेन होता है। तो ये देखिए अब चलिए हम धनिया डाल के इसे गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल में ले ली है और धनिए से गार्निश भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि आपको ये रेसिपी मेरी पनीर लबाबदार की कैसी लगी। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो। चलिए हम फिर मिलेंगे हमारी अगली रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।